तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि आउटपुट कैसे करना है टर्मिनल पे, मतलब कोई भी मैसेज या कोई भी रिजल्ट को कैसे यूजर को दिखाना है। अब हम लोग देखेंगे कि इनपुट कैसे लेना है यूजर से। अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें एक फंक्शनैलिटी होना चाहिए जिससे आप क्या कर सकते हो, यूजर से कुछ डेटा ले सकते हो। तो वही हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से अब यूजर से इनपुट लेना है। तो हम लोग पार्ट 13 में एक फाइल और बना लेते हैं, input.py। हाँ, अब देखो जब भी हमें कुछ प्रिंट करना होता है तो हम लोग फंक्शन यूज करते हैं प्रिंट। उसी तरीके से जब भी हमें कुछ लेना होता है, इनपुट लेना होता है, तो हम लोगों के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है इनपुट। ये फंक्शन क्या करेगा, इनपुट लेगा। ये आउटपुट के लिए है, ये इनपुट के लिए है, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन से कोई भी मैसेज आप दिखा सकते हो और इनपुट से कोई भी इनपुट ले सकते हो आप यूजर से। अभी देखो अगर मैं इसको रन करूंगा ऑटो रन से तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि कोड रनर का जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ वर्क करता है आउटपुट दिखाने के लिए, ठीक है। उसमें आप इनपुट नहीं ले सकते हो। तो अगर आपको इनपुट लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि खुद से टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। मैं इसको एक काम करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और यहां से हम लोग जाके टर्मिनल, न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे। उसके बाद हमें अभी कहाँ जाना है, देखो पाइथन ट्यूटोरियल में है, अभी हमें पार्ट 13 वाले फोल्डर में जाना है। तो हम लोग पहले पाथ चेंज करते हैं, cd part 13। अब इसमें हम लोग रन करेंगे पाइथन कमांड, पाइथन input.py। अब देखो, अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास इनपुट करने के लिए कुछ चीज आ गया है, एक क्रसर आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे इनपुट कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे विश्वजीत। इनपुट करने के बाद एंटर दबाऊंगा, वो इनपुट हो चुका होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये जो इनपुट नाम का फंक्शन है, इससे क्या हुआ, जैसे पहला जो प्रिंट नाम का फंक्शन था उससे ये देखो ब्लैंक लाइन प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने प्रिंट में कुछ दिया ही नहीं था तो ब्लैंक प्रिंट हुआ। उसके नीचे वाले लाइन में वो हमसे कुछ इनपुट मांग रहा था तो हमने इनपुट क्या दिया, विश्वजीत। आप यहां से पे कोई नंबर भी दे सकते हो, ठीक है, कुछ भी इनपुट दे सकते हो। अब देखो, अब हम लोग एक चीज सीखते हैं कि मैं कोई मैसेज पहले लिखता हूं यहां पे प्रिंट में कि एंटर योर नेम, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ मैसेज दिया है। अब मैं इसको रन करता हूं, सॉरी मुझे इसको रन नहीं करना चाहिए था। मैं क्या करता हूँ, यहां से आएंगे हम लोग टर्मिनल पे फिर से, और उसके बाद cd part 13 python input.py, इसे रन करते हैं। तो अब देखो हमारा क्या हुआ, प्रिंट वाला फंक्शन प्रिंट किया एंटर योर नेम, उसके बाद सेकंड लाइन में हमारे पास आया इनपुट, इनपुट करने का। तो मैं इनपुट करवा रहा हूं अपना नाम विश्वजीत, ठीक है, हो गया, सिंपल सी बात था। लेकिन अभी आप देखो कि ये इनपुट कहीं पे सेव नहीं कर पा रहा है उस चीज को। तो अब हमें क्या करना है, इस इनपुट से जो हम लेंगे उसको एक वेरिएबल में सेव करवा देते हैं। तो वेरिएबल का नाम हम लोग रख देते हैं नेम, क्योंकि नेम इनपुट करवा रहे हैं, ये देखो, ठीक है, नेम इक्वल टू इनपुट। अब क्या होगा कि इनपुट फंक्शन से जो हम इनपुट करेंगे वो नेम में सेव हो जाएगा, नेम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, अब रन करूंगा फिर से आ गया मेरे पास, आज मैं थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मैं भूल जा रहा हूँ बार बार कि मुझे टर्मिनल से जाना है। 13 अब मैं जो यहाँ पे मान लो मैं कुछ भी डालता हूँ, अपना नाम डाल देता हूँ, तो अब जो मैं नाम डालूंगा वो जाके सेव हो जाएगा नेम में। अब मैं इस पे कोई ऑपरेशन भी कर सकता हूँ, जैसे देखो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करते हैं, इसमें लिखेंगे हेलो, या मैं लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, नेम वेरिएबल। नेम वेरिएबल में जो भी सेव होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब देखो, अब मैं इसको यहाँ पावर सेल में फिर से जाते हैं, यहाँ पे रन करेंगे। अब देखो, अब मैंने रन किया तो ये पूछ रहा है एंटर योर नेम, अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ विश्वजीत। अब देखो ये मुझे मैसेज देगा गुड मॉर्निंग विश्वजीत। तो इससे आपको क्या पता चला कि हमने जो भी इनपुट लिया उसको कहाँ स्टोर कर दिया, नेम में। अच्छा, अब देखो ये बार बार प्रिंट लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग मैसेज डायरेक्ट इनपुट में भी दे सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पे मैसेज दिया कि एंटर योर नेम, इसको यहां से हटाकर प्रिंट हटा दो, प्रिंट का जरूरत नहीं है हमें।
हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट इनपुट में ये मैसेज दे सकते हैं। अब देखो अब भी सेम काम होगा, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अब ये देखो, अब ये हमें अभी भी ये पूछ रहा है एंटर योर नेम, और यहाँ पे अब हम लोग नाम डालेंगे, सेम मैसेज, ठीक है। यहाँ पे आप एंटर योर नेम के जगह पे आप ये भी लिख सकते हो कि एंटर अ नंबर। अभी देखो फिर से मैं रन करूंगा तो अब हमारे पास मैसेज आ जाएगा एंटर अ नंबर। आप यहाँ पे कोई नंबर डाल सकते हो, ये देखो गुड मॉर्निंग 23 आ गया, ठीक है। तो कुछ भी आप इनपुट करवा सकते हो।